हरी शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्रोत के पाठ, श्रीमद् भागवत मूल पाठ, पारायण, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा के छठवें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरन महाराज ने कहा कि शास्त्रों में देवों और दानवों के पारस्परिक विरोधों का वर्णन प्राप्त होता है। वे हमारे व्यक्तिगत जीवन में व्यक्त होने वाली सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों के उल्लास और हास्य को इंगित करने के लिए है। मानव की अपनी बुराइयां मानव को ही दुखी करती हैं तथा मानव की अच्छाइयां मानव को सुखी करती हैं। अच्छाइयां और बुराइयां परस्पर विरोधिनी हैं। जो व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं वे अच्छाइयों को अपनाकर सुखी हो सकते हैं। अच्छाइयों की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के उपायों को दर्शाने के लिए पौराणिक कथाओं में देव दानवों के पारस्परिक द्वंद्व को दिखाकर सामान्य जनों को बोध कराया गया है। अच्छाइयों के विकास के लिए किसी उच्चतम मानवीय गुणों से संपन्न देवी कोटि के व्यक्तित्व का आश्रय लिया जाता है। इससे अल्पगुणी व्यक्ति बहुगुणी बनकर अपने में उन्नत सद्गुणों को विकसित कर लेता है। सप्तम दिवस की देवी कात्यायनी जी के दर्शन हुए। आरती में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम एवं श्रद्धालु गण उपस्थित रहे। सायंकालीन सत्र में 45 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा में कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरन महाराज ने कहा कि भगवान की चेष्टाओं का नकल करना भी भगवत प्राप्ति और मुक्ति प्राप्ति में साधन रूप है। करुष देश के नरेश पौंड्रक ने अन्य राजाओं के ये कहने पर कि वो असली वासुदेव हैं, किंतु स्वयं को वासुदेव के रूप में न पहचान पाने के कारण अपनी असली कीर्ति से वंचित थे तथा द्वारका वासी कृष्ण असली वासुदेव ने होते हुए भी असली वासुदेव होने के मिथ्या आरोप मात्र से सकल शुभ कीर्तियों के भंडार है। आरती में श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि उपासना महापर्व के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन सत्र में हो रही लामिला महोत्सव का मंचन वृंदावन के कलाकारों के द्वारा आकर्षक एवं मनोहर रूप में किया जा रहा है, जिसमें महाराज दशरथ के द्वारा भगवान श्री राम जी का राज तिलक का मंचन हुआ। राज तिलक की घोषणा सुनकर सभी अयोध्या वासी बड़े ही प्रसन्नचित हुए। ठाकुर जी की आरती हुई। नदी बहाती है इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी राम बनाती है प्रख्यात सहस्त्र बाहु तक के ये भुजदंड काटने वाला